तो गाइस लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि टिप्सन अपने आप को बचाने के लिए मैजिकल वाटर लेने के लिए एक भूतिया टनल में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैजिकल वाटर लेके घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसको रास्ते में ग्रैनी ग्रैंडपा और सर्बियन डांसिंग लेडी मिल जाती हैं और फिर वो जो है ना उसका वाटर छीन लेते हैं और सर्बियन डांसिंग लेडी उसका वो वाटर उसी टनल में पहुंचा देती है और सर्बियन डांसिंग लेडी उसको अपने जादू से एक भूतिया टिप्सन बना देती है और भूतिया टिप्सन बनने के बाद टिप्सन उड़के अपने घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद वो रोपिरो और विलन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रोपिरो और विलन को कुछ भी समझ में नहीं आता तो इसीलिए विलन और रोपिरो अपने घर को छोड़ के कोई नया घर ढूंढते हैं और फिर उसी घर में रहने लगते हैं। लेकिन तभी भूतिया टिप्सन को पता चल जाता है कि रोपिरो और विलन उस घर को छोड़ के जा चुके हैं। तभी भूतिया टिप्सन विलन और रोपिरो को ढूंढने निकल जाता है और उसको विलन मिल जाता है और वो विलन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही भूतिया टिप्सन विलन के ऊपर अटैक करता है तो रोपिरो को पता चल जाता है। इसी का इंतजार करते हुए रोपिरो वहां पे आ जाता है, लेकिन जब तक रोपिरो वहां पहुंचता है तब तक टिप्सन वहां से जा चुका था। और गाइस अब रोपिरो टिप्सन का क्या करेगा और विलन का क्या करेगा ये देखते हैं अब इस वीडियो में। अरे गाइस ये पता नहीं भूतिया टिप्सन अपने लॉस सैंटोस में कहां से आ गया है और ये हमारे पीछे पड़ चुका है, पता नहीं यार अब क्या होगा। और देखो ये जो ना विलन को भी मार के यहाँ से जा चुका है और अब जो ना ये जरूर मेरे चक्कर में फिर रहा होगा, मेरे को ढूंढ रहा होगा कि रोपिरो कहाँ पे है, वो मेरे को भी मारना चाहता है। गाइस मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए, आप ही कुछ कमेंट करके बता दो कि मेरे को क्या करना चाहिए। इधर देखो यार वो विलन को भी मार के चला गया है। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, मैं जो ना फटाफट से अपना फोन निकालता हूँ और मैं जो ना आयरन मैन को यहाँ पे बुलाता हूँ और उससे फिर मैं मशवरा लूंगा कि वो मेरे को क्या बताता है, मेरे को क्या करना चाहिए। तो एक काम करता हूँ फटाफट से मैं आयरन मैन को कॉल लगाता हूँ एंड गाइस उससे बोलूंगा कि फटाफट से मेरे घर पे आ और नए वाले घर पे उसको बोलूंगा। सो गाइस अभी मैं फोन तो लगा रहा हूँ बट पता नहीं उठाएगा या फिर नहीं उठाएगा। हेलो रोपिरो क्या हाल चाल है भाई, यार क्या हो गया आजकल तेरे को, तू तो यार आजकल मेरे पास फोन भी नहीं करता। रोपिरो आज कैसे याद कर लिया भाई तूने मेरे को? अरे यार आयरन मैन मैं तेरे को कॉल पे यार कुछ भी नहीं बता सकता, एक काम कर फटाफट से तू जो ना मेरे घर पे आ यार, मेरे को जो ना तेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। आयरन मैन यार मैं जो ना तेरे फोन पे अपनी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, फटाफट से मेरे पास आ यार। ठीक है रोपिरो यार तू बिल्कुल भी मत घबराना, मैं बिल्कुल अभी आ रहा हूँ। अरे यार पता नहीं रोपिरो पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया है और मैं उसको इस मुसीबत में अकेले नहीं दे सकता, तो इसीलिए मैं भी फटाफट से चलता हूँ। और हाँ उसकी लोकेशन तो मेरे पास आ ही जाएगी तो मैं फटाफट से रोपिरो के घर पे चलता हूँ। हाँ भाई रोपिरो यार कैसी मुसीबत है, देख मैं कितनी जल्दी तेरे पास आ गया हूँ। और ये क्या विलन को किसने मारा रोपिरो, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, फटाफट से मेरे को बता विलन को किसने मारा। अरे यार आयरन मैन वो बात कुछ ऐसी है कि अपने लॉस सैंटोस में ना एक भूतिया टिप्सन आ गया है तो उसी ने जो है ना इस विलन को मार दिया यार। तो ये उस भूतिया टिप्सन ने करा है, लेकिन रोपिरो तू बिल्कुल भी मत घबरा, तू जो ना एक काम कर इसको मेरे हाउस पे लेके चल और वहां जाके जो ना मैं इसके ऊपर कुछ काम करूंगा और इसको तो मैं जिंदा कर दूंगा और तुझे भी जो ना एक सूट दूंगा जिससे जो ना तू भूतिया टिप्सन को मार सकेगा। तो एक काम कर रोपिरो फटाफट से इस विलन को उठा और मेरे घर पे लेके चल। वो सब बात तो ठीक है यार आयरन मैन, लेकिन मेरे पास जो ना इसको लेके जाने के लिए कोई कार वगैरह भी नहीं है। तो एक काम कर आयरन मैन तू जो ना यार यहीं पे खड़ा रहे, इसको देखता रहना कि यहाँ पे कोई भूतिया टिप्सन दोबारा से ना आने पाए। और मैं जो ना एक काम करता हूँ फटाफट से मैं बाहर जाता हूँ और कोई ना कोई कार देख के लाता हूँ जिसमें हम विलन को डाल के और तेरे घर पे लेके जा सकें। हाँ ठीक है रोपिरो बिल्कुल सही कह रहा है, तू फटाफट से कोई कार देख के आ, इतना मैं विलन को यहीं पे देखता रहता हूँ। ठीक है तो आयरन मैन तुम यहीं पे खड़े रहना। ओके तो गाइस अब मैं फटाफट से चलता हूँ और बाहर से जो ना कोई कार देख के लाता हूँ जिसमें जो ना हम विलन को डाल के और आराम से आयरन मैन के घर पे लेके जा सके। लेकिन यार मेरे को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि हमारे को कोई कार ऐसी मिलेगी, मतलब कि मेरे को कोई कार ऐसी मिलेगी या फिर नहीं, बट कोई बात नहीं गाइस यार ट्राई करके देखने में क्या जाता है। एक मिनट गाइस यार इधर देखता हूँ यार, इधर से तो कोई भी कार नहीं आ रही। अरे यार गाइस ये तो निकल गई बट ये जो ना मेरे किसी भी काम की नहीं थी एंड इसको देखते हैं। अरे यार ये देखता हूँ पीछे से खुली है या फिर नहीं, लेकिन एक मिनट गाइस ये भी खुली हुई नहीं है तो इसको भी जाने देते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे खड़े होकर किसी नई कार का वेट करता हूँ बट एक मिनट ये कार कैसी है। अरे नहीं गाइस यार ये भी मेरे मतलब की नहीं है। एंड अरे भाई एक मिनट ये कार यहाँ पे कैसी खड़ी हुई है, तो एक काम करता हूँ फटाफट से इसको ही देखता हूँ। हाँ ये कार बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे हम विलन को डाल के लेके जा सकते हैं। यार इतनी देर से यहाँ पे खड़ी है बट मैंने इसको देखा ही नहीं, कोई बात नहीं अब मैं फटाफट से इसको घर पे लेके चलता हूँ और फिर जो ना विलन को उठा के और इसके पीछे डाल लेंगे और आयरन मैन और मैं आगे बैठ जाएंगे और फिर जो ना आयरन मैन के घर पे चलेंगे। तो गाइस ये बिल्कुल अच्छी रहेगी, इसको मैं फटाफट से यहीं पे लगा देता हूँ। एंड अब जो ना फटाफट से मैं आयरन मैन के पास चलता हूँ और विलन को जो ना इसमें डाल लेते हैं। 1 hour later. तो गाइस फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने और आयरन मैन ने जो है ना विलन को उठा के यहाँ पे डाल लिया है। यार विलन जो है ना देखने में ही वैसा लगता है बट ये जो ना बहुत ज्यादा ताकतवर भी है और वैसे भी यार बहुत ज्यादा भारी, यार उठ भी नहीं रहा हम दोनों से। गाइस अभी उस सब बात को छोड़ते हैं एंड फटाफट से जो ना मैं आयरन मैन के घर पे चलता हूँ
और वैसे भी गाइस आप तो जानते हो कि आयरन मैन का घर भी जो है ना यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए जो ना फटाफट से मैं आयरन मैन के घर पे चलता हूँ। एंड गाइस जब तक मैं आयरन मैन के घर पे जा रहा हूँ ना, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो फटाफट से लाइक कर दो, और हाँ चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस अभी आप देख रहे हो ना कि आयरन मैन के घर पे तो मैं आ चुका हूँ, बट अब जो ना मेरे को अंदर जाना है। तो गाइस अंदर तो हम पहुंच ही जाएंगे, बट मैंने अभी तक आयरन मैन से ये मालूम नहीं किया कि वो तो विलन को जिंदा करेगा, बट जब तक मैं क्या करूंगा। अरे यार रो फिरो, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तुझे कुछ नहीं करना। मैं जो ना एक काम करूंगा, तेरा जो ना सूट अपग्रेड कर दूंगा और उसके बाद जो ना तू टिप्सन को मारना और मैं विलन को जिंदा करूंगा। सही आइडिया है ना? अरे हाँ हाँ आयरन मैन, आइडिया तो एकदम कमाल का है। तो एक काम करते हैं गाइस, अभी उस सब बात को छोड़ते हैं एंड फटाफट से जो ना मैं अपनी गाड़ी को यहीं पे लगा देता हूँ, एंड फटाफट से जो ना इस विलन को उतार के और आयरन मैन के हम घर में लेके चलते हैं, और आयरन मैन तो इसके ऊपर कुछ काम करेगा और इतना जो ना मेरा सूट भी अपग्रेड हो जाएगा। तो फटाफट से अब हम इसको उठाते हैं और इसके घर में लेके चलते हैं, एंड मैं जो ना इसके घर में पहुंचने के बाद ही आपसे मिलता हूँ। तो गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अभी आयरन मैन और मैं विलन को यहाँ पे लेके आ चुके हैं, एंड अभी आप देख रहे हो ना कि इधर एक साइड में एक सूट भी पड़ा हुआ है। और हाँ गाइस ये जो सूट है ना, ये भी आयरन मैन ही बना रहा है, और ये जो ना इसकी पूरी लैब है, पता नहीं साइंटिस्ट है या फिर क्या है ये। एक काम करता हूँ, आयरन मैन से बोलता हूँ फटाफट से मेरा सूट अपग्रेड कर दे। अरे आयरन मैन क्या कर रहा है? गाइस इसके अंदर तो यार बहुत ज़्यादा शक्ति आ चुकी है। अरे यार अभी ठीक हो चुका है आयरन मैन, यार अब फटाफट से मेरे सूट को अपग्रेड कर दे, मैं जो ना भूतिया टिप्सन का किल करना चाहता हूँ यार। अरे हाँ हाँ रो फिरो यार, तू इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहा है? मैं खड़ा हूँ ना, मैं तेरा सूट अभी अपग्रेड कर दूंगा, लेकिन अगर तुझे अपना सूट अपग्रेड करवाना है ना तो तुझे पास में ही एक मशीन मिलेगी और वहां पे जाके खड़ा हो, और मैं जो ना यहाँ से बटन को ऑन करूंगा तभी जो ना तेरा सूट अपग्रेड होने लग जाएगा। जल्दी से जा रो फिरो, मैं तेरा सूट अपग्रेड करता हूँ। ठीक है तो आयरन मैन मैं अभी जाता हूँ। गाइस आपने सभी कुछ सुन ही लिया होगा कि मेरे को जो ना एक मशीन मिलेगी। अरे गाइस सच में देखो यहाँ पे मशीन है, एंड मैं जो ना फटाफट से इसमें खड़ा हो जाता हूँ, एंड अभी जो ना आयरन मैन बटन प्रेस करेगा और उसके बाद जो ना मेरा सूट अपग्रेड होने लग जाएगा। तो 3, 2, 1 एंड लेट्स गो गाइस। अरे वाह गाइस यार सच में देखो मेरा जो सूट है ना वो एकदम अपग्रेड हो चुका है, एंड आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। गाइस यार मेरा शरीर तो बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, एंड अभी जो है ना मेरे को टिप्सन से बदला लेने जाना है, मतलब कि जो भूतिया टिप्सन है ना उससे मेरे को बदला लेने जाना है, क्योंकि उसने जो है ना अपने दोस्त विलन का किल कर दिया है। एंड गाइस अभी जो है ना आयरन मैन अंदर विलन के ऊपर काम कर रहा है, और इतना जो है ना मैं टिप्सन को बता के आता हूँ। अभी तो गाइस यार मेरे को ये भी मालूम नहीं है कि वो मेरे को कहाँ पर मिलेगा, बट कोई बात नहीं, इसकी वजह से जो ना गाइस इस सूट की वजह से जो ना मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं। अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, एंड ये देखो गाइस आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं जो ना हवा में उड़ सकता हूँ। गाइस यार एकदम भूतों वाली फीलिंग आ रही है, मतलब कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट गाइस अभी फीलिंग को छोड़ता हूँ, एंड अभी देखो मैं पुराने गाइस यार ये क्या हो गया, जिस घर पे मैं अभी आया था ना, मतलब कि जो हमने नया घर अभी हम रहने लगे थे, तो उसी घर पे मैं आ चुका हूँ। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो भूतिया टिप्सन है ना दोबारा से हमारे को यहीं पे देखना आएगा, वो मेरे को यहीं पे देखना आएगा। लेकिन एक मिनट गाइस मैं देखता हूँ यहीं कहीं मेरे को दिखता है या फिर नहीं। मैंने विलन को तो मार दिया है, बस अब मेरा एक लास्ट मिशन रह गया है जो कि है रो फिरो, और उसके बाद ग्रैनी ग्रैंडपा और सर्बियन डांसिंग लेडी और मैं चारों मिलके इस पूरे लॉस सैंटोस पे कब्जा करेंगे। लेकिन पता नहीं है रो फिरो कहाँ पे चला गया। एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से उसी घर पे जाता हूँ और देख के आता हूँ कि शायद से मेरे को वहीं पे मिल जाए। लेकिन मेरा एंटीना तो यही बता रहा है कि रो फिरो अपने नए वाले घर पे होगा, जहाँ पे विलन और रो फिरो गए हैं रहने के लिए। अपना पुराना घर तो छोड़ दिया है ना उन्होंने, तो अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरा ये एंटीना बता रहा है कि रो फिरो जो ना मेरे को अपने नए वाले घर पे मिलेगा, तो नया वाला घर भी ये रहा उसका। अभी मैं फटाफट से चलता हूँ और रो फिरो को तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पे। विलन को तो मैंने मार ही दिया है, बस लास्ट मिशन अब मेरा रो फिरो ही है और मेरा लास्ट टारगेट। अरे लेकिन ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है। अभी मैं फटाफट से इधर चलता हूँ और रो फिरो को देखता हूँ कहीं मेरे को रो फिरो मिलता है या फिर नहीं। अरे नहीं, इधर तो कहीं भी रो फिरो नहीं दिख रहा। विलन तो मेरे को यहीं पर मिल गया था लेकिन विलन भी नहीं है। अरे यार कहाँ चले गए ये सब के सब। अब मेरे को कुछ भी करके इस रो फिरो को ढूंढना होगा, लेकिन रो फिरो मेरे को कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे भी रो फिरो नहीं है, तो फिर रो फिरो कहाँ मिलेगा? अरे ये कौन है? तू भी ले। अरे इसके ऊपर तो लग ही नहीं रहा, ये आदमी कौन है? लगता है रो फिरो ने इनको अपनी गार्डिंग के लिए बैठा रखा होगा, लेकिन ये नहा रहा है तेरी ऐसी की तैसी। ये भी गया, लेकिन अब रो फिरो का नंबर है। अरे लेकिन मेरे को तो रो फिरो का मालूम ही नहीं है रो फिरो मेरे को कहाँ पे मिलेगा। एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से ऊपर चलता हूँ और ऊपर देख के आता हूँ रो फिरो मेरे को मिलता है या फिर नहीं। अरे लेकिन रो फिरो तो इधर भी नहीं है, मैं और ऊपर चल के देखता हूँ।
नया वाला घर तो रोफिरो का यही है, लेकिन रोफिरो मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा। इधर से खड़े होकर देखता हूँ, किसी पेड़ के पीछे तो नहीं छिप रहा। अरे गाइस, फाइनली वो टाइम आ चुका है जिस टाइम का मेरे को बहुत बेसब्री से इंतजार था। एंड गाइस, अब मैं इस टिप्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब के भूतिया टिप्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और पता नहीं ये यहाँ पे खड़ा होकर क्या देख रहा है, लेकिन जो भी देख रहा है इसको नहीं छोड़ूंगा। एंड यार, ये मेरे को देख ना ले, कहीं यार ये मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, मैं यही सोच रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं इसके ऊपर अटैक कर देता हूँ। एंड 3, 2, 1 लेट्स गो गाइस। अभी देखो, मैंने इसके घुमा के मारा और ये तो एक ही थप्पड़ में मर गया। अभी इस पर फिर मारता हूँ तेरी ऐसी की तैसी। भूतिया टिप्सन, तेरे को तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने ना गाइस, यार देखो, आपने देखा ना, इसने विलन को मार दिया और इसको पता नहीं किसने मारा था, लेकिन ये भूतिया टिप्सन पता नहीं क्यों बन गया। बट ये भूतिया टिप्सन क्यों बना है मेरे को इस बात से कुछ नहीं लेना। एंड इसको जो ना मेरे को मारना है गाइस, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। पहले तो यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब मारता हूँ फेंक के, एंड उसके बाद जो है ना गाइस, यहाँ पे सिंपल वाले बॉम्ब फेंक के मारूंगा और उसके बाद जो है ना इन सब बॉम्ब को फोड़ूंगा। गाइस, फायर वाले जो बॉम्ब होते हैं ना, ये वाले, ये फेंक के मारता हूँ गाइस, अभी देखना। एंड 3, 2, 1 गाइस, अभी देखो मैंने फेंक के मारा। और गाइस, अभी देख के आता हूँ कि ये भूतिया टिप्सन मर रहा है या फिर नहीं। लेकिन एक मिनट, मेरे को ऐसा लग रहा है लग ही नहीं रहे इसके। अरे यार, ये तो पीछे ही फट गया। बट अब नहीं छोड़ूंगा। ये लो गाइस, अभी लगता है मर चुका है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भूतिया टिप्सन जो है ना बिल्कुल काला पड़ चुका है, जल चुका है ना, तो इसलिए काला भी पड़ चुका होगा। तो अब मैं इसके ऊपर ये वाला बॉम्ब भी फोड़ के देखता हूँ कि ये मरेगा या फिर नहीं। वैसे तो मर ही चुका है। एंड गाइस, अब नहीं छोड़ूंगा। ये लो गाइस, अभी तो इसका पता भी नहीं है कि कहाँ पे चला गया। बट एक मिनट गाइस, ये तो कहीं पे भी नहीं गया, ये तो यहीं पे है। बट इसके चक्कर में देखो, मेरे घर के शीशा जो है ना उसमें भी त्रेड़ आ गई। एंड अब तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा गाइस। अभी देखो, ये तो मर ही चुका है, पूरा काला पड़ चुका है। और इसके पर गाइस, यार पर भी पता नहीं कहाँ गए, मर चुका है गाइस ये।